दोस्तों आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों चाहे सब कुछ भले ही खत्म हो जाए मगर कोशिशें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही ऐसा हथियार हैं जो मुश्किलों को भी आसान और नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। पॉजिटिव सोच रखने वालों और लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं, वो अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचते हैं, भले ही थोड़ा समय और थोड़ी परेशानी उठानी पड़े। हाँ अगर हमें अपने टारगेट तक पहुँचने में अगर परेशानियों या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो हम थोड़ा निगेटिव और डीमोटिवेट ज़रूर हो जाते हैं। इसका हल ये नहीं है कि हम हथियार डाल दें या कोशिश करना छोड़ दें। इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए या इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम अगर अब तक नाकामयाब हैं तो क्यों हैं, आखिर हम में या हमसे कहाँ और क्या गलती हो रही है। अगर हम और आप इस चीज़ को समझ जाएं और उन गलतियों को सुधार लें तो हम और आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों हमारी दुनिया कोशिशों और उम्मीदों पर ही कायम है, और अब तक और आज तक जितने भी क्रिएटिविटी हुई है सब कोशिश उम्मीद और विश्वास पर ही हुई है। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी आविष्कार किए हैं सब कोशिश उम्मीद और विश्वास के दम पे ही किया है। उन्हें भी पहली बार में ही कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने भी अपने मिशन अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कई बार हार या असफलता का सामना किया, मगर क्या उन्होंने अपने टारगेट से मुंह मोड़ लिया, हार मान ली? नहीं, उन्होंने एक बार दो बार तीन बार या कईयों बार असफल होने के बावजूद कोशिशों का दामन नहीं छोड़ा और एक दिन वो सफल हुए। आज हम उनके आविष्कारों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं। सोचो अगर उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया होता तो क्या आज हम उनके इन सभी आविष्कारों का इस्तेमाल कर रहे होते? बिल्कुल नहीं। हाँ ये चीज़ सच है कि जब हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, हमारी कोशिश नाकाम हो जाती है, तब हमें बहुत बुरा लगता है और हमारा मन बैठ जाता है, हमारे काम करने की एनर्जी चली जाती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कुछ देर शांति बनाए रखने की, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखने की। कुछ देर के लिए हमें अपने काम से विराम ले लेना चाहिए ताकि हमारा बॉडी और माइंड फिर से एनर्जेटिक हो सके, उस काम को फिर से करने के लिए तैयार हो सके। दोस्तों अगर आप अपना कोई भी लक्ष्य या ज़िंदगी का कोई भी मकसद बनाते हो तो इतना माइंड में ज़रूर बिठा लेना कि शायद आपको पहली ही बार में सफलता ना मिले। उसके लिए आपको दो बार या तीन बार कोशिश करनी पड़ सकती है या बार बार कोशिश करनी पड़ सकती है। इससे होगा ये कि आपके अंदर असफल होने का डर नहीं रहेगा और आप फुल एनर्जी के साथ और सावधानी के साथ अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते रहोगे। तो दोस्तों यही है वो तरीका जिससे आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे।
बस हिम्मत मत हारना और कोशिश मत छोड़ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को सही तरीके से समझ पाए होंगे या मैं मेरी बात को आप तक अच्छे से शेयर कर पाया हूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर ये आपका पहला विजिट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बेल ताकि हमारी हर न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करें। अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग और राइटिंग से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके इन सवालों का जवाब भी वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर की ज़रूरत हो जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते चलते आपको साजन का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।